जगदलपुर शहर में अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी करने वाले युवक पर कार्रवाई करने में बोधघाट पुलिस को सफलता हाथ लगी है। जानकारी के मुताबिक एक युवक दो थैले में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखकर परिवहन करने के फिराक में जगदलपुर के नए बस स्टैंड में इंतजार कर रहा था। पुलिस टीम ने संदेह के आधार पर युवक को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी के दौरान दोनों थैलों से 19 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,90,000 रुपये आंकी गई है। आरोपी दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत बचेली क्षेत्र का निवासी है और आरोपी द्वारा उड़ीसा से गांजा का परिवहन विक्रय हेतु करना स्वीकार किया गया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। नया बस स्टैंड जगदलपुर से कुल 19 किलो गांजा रवि ओयाम, जो कि बचेली के रहने वाला है, से जब्त किया है। पूछताछ पर रवि ओयाम ने बताया कि वह उक्त गांजे को उड़ीसा से लेकर के आ रहा था और रायपुर डिलीवरी करने जा रहा था। रवि ओयाम के कब्जे से 19 किलो गांजा, एक टच स्क्रीन मोबाइल और 500 रुपये नकद जब्त किया गया है और 19 किलो गांजे का जो बाजार कीमत है वो लगभग 1,95,000 का है। आरोपी को पुलिस रिमांड में लिया।